नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन किया जाए, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट होती है इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी मेहनत आप भी करें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे द्वारा दिए जाते हैं उसके बारे में खुद से अपने जो कंटेंट मटेरियल आप पढ़ते हैं उसमें सर्च करके इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्रित करें। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज के। जनवरी 2022 में शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 जो है लॉन्च की है। तो यहाँ पे ये SSIP 2.0 लॉन्च किया गया था जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक, इनके साथ मिलके इसको, और इस पॉलिसी को बेसिकली अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, जिसमें इस एक इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर हर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गुजरात के अंदर वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और पॉलिसी का एक और जो कह लीजिए एम है एक तरीके से, तो ऑलमोस्ट 50 लाख स्टूडेंट्स को इसमें इनको कवर करना है, जिसमें कि करीब 1000 जो हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस होंगे और करीब 10000 जो होंगे वो स्कूल्स होंगे, ठीक। तो ए ऑप्शन जो था इसमें ये करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का गंगा सागर मेला 10 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया। अब यह मेला भारत के किस राज्य में लगता है ये बताना है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है ये, और जो गंगा रिवर और बे ऑफ बंगाल का कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है, और विश्व का कह लीजिए सेकंड लार्जेस्ट एक ह्यूमन गैदरिंग वाला इवेंट है कुंभ मेला के बाद, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन हमारा फिलहाल करेक्ट है इसमें। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा गेटवे टू हेल किस देश से संबंधित है। तो ये बेसिकली तुर्कमेनिस्तान में एक जगह थी, दरवाज़ा नाम था उसका, ठीक, वहाँ पे ये स्थित है। एक नेचुरल गैस फील्ड हुआ करती थी ये, तो कुछ समय पहले जो है ये कोलैप्स होके एक केव का रूप ले ली। तो ऐसे जो करीब 70 मीटर्स का डायमीटर में ऐसे एक केव टाइप का हो गया, और इसमें जो ये बर्निंग इसमें हमेशा चलती रहती थी, ठीक है, अभी तक। तो अभी हाल ही में चर्चा में ये इसलिए रहा कि इसको जो है बंद करने का निर्णय लिया गया, और एक डेस्टिनेशन भी था ये, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते थे, है ना। तो कुछ हैजार्डस इवेंट्स की वजह से यहाँ पे ऐसा ऑर्डर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक बार इसको देख लीजिएगा सर्च करके। अगला देखिए कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 दिसंबर को किस दिवस के अवसर पर छावनी बोर्डों के निवासियों के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र जो कि जिसको आप इंग्लिश में GIS के नाम से जानते हैं, तो GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हमारा ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम एक GIS बेस्ड है ना लॉन्च किया गया है, और जो 16 दिसंबर को हमारा ये डे इसमें पूछा जा रहा है, तो ये डिफेंस स्टेट्स डे होता है यानी कि रक्षा संपदा दिवस। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे हम। अगला है, मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने और इसकी जैव विविधता को बहाल करने के लिए दक्षिणी राजस्थान के किन 3 जिलों में आदिवासी किसानों की एक सामुदायिक पहल को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इनसे मान्यता मिली है अभी हाल में। तो ये 3 हमारे इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें रिकग्नाइज हुए हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये डी ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान सरकार ने राज्य के किस जिले में लिग्नाइट के खनन और इसके आसपास के क्षेत्र में एक नया लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है ये बीकानेर है, ठीक, और लिग्नाइट आप जानते ही हैं कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, जिसको आप ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है कि भारत का टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 7 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अब यहाँ पे है स्टेटमेंट कि भारत किस वर्ष आयोजित लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीते थे भारत ने, तो ये लंदन ओलंपिक्स हमारा था 2012 में। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो ट्रिब्यूटरी इसमें जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसकी ट्रिब्यूटरी जो हमारी ब्रह्मपुत्र की होती हैं, जैसे अलग से आप जान ही लीजिए कि जैसे लोहित, दिबांग, सुबनसिरी है ना, तीस्ता, संकोच, ये सब जो है रिवर सिस्टम जितने भी हैं, एक बार इनको मैप में भी एक बार देखें आप। अगला है कि यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक, तो झरने हैं कुछ और कुछ नदियाँ हैं, तो अब यहाँ पे बी ऑप्शन जो हमारा है ये सही नहीं है। पुनासा जो फॉल्स हैं ये चंबल नदी पे है, ठीक, राजस्थान के अंदर, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो यहाँ पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट अगर आप देखें मैप में तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हमारे इधर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो पॉइंट है कॉमन, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है, ठीक है, तो यही इनका मीटिंग पॉइंट हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। अगला है कि किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान हुआ है, ठीक है, तो जैसे एक तो लीची होती है बिहार के अंदर वो भागलपुर में, और यहाँ पे जो तेजपुर लीची है ये है असम से संबंधित, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 32, ठीक, जिसके अंदर रिट्स इशू होती हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वॉयलेट हो रहा है तो इसको ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया था। अगला है वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी में से कौन सी थी, ठीक है, तो भाषाई आधार पर पहला जो हमारा प्रांत बना है भारत में वो आंध्र प्रदेश ही है, ठीक, 1953 में, और यहाँ पे इसकी कैपिटल थी कुरनूल, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं ये नेचुरली एक तरीके से हमारे शुगर्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ शुगर्स, तो जो मीठा हो कार्बोहाइड्रेट है ना प्राकृतिक रूप से जैसे ये सब पाए जा रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मीठा है फ्रक्टोज, ठीक, और इसको आप फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं चूंकि ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग जो है सर्वग्राही कहलाता है, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो अगर इसमें देखें तो जो यहाँ पे ए बी है तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है दिस इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो ए बी ऑप्शन हमारा यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो होता है दिस इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अगला देखिए तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद के नाम से भी जिसको जानते हैं, इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ठीक है, तो अब यहाँ पे किताब उल हिंद जो था इसको अलबरूनी ने लिखा था, ठीक, 11th सेंचुरी के आसपास, और इसको पहले लिखा गया था अरेबिक भाषा में, ठीक, और उसके बाद इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है ये करीब 100 साल के पहले आज के एक राइटर ई सचाऊ नाम था है ना, इसके द्वारा किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अप्रैल से नवंबर 2021 के मध्य में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य स्थल रहा, ठीक है, तो ये देश था हमारा अमेरिका, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है 5 जनवरी 2021 को टाइगर रिजर्व के एक जल स्रोत एटलस का विमोचन किसने किया, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 2021 नहीं 2022 है ये, ठीक है, तो 5 जनवरी 2022 को टाइगर रिजर्व के जल स्रोत एटलस का विमोचन यहाँ पे किया गया था, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव इनके द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, इसकी 19th मीटिंग थी यहाँ पे, जो ये वाटर एटलस रिलीज किया गया जिसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व या फिर इससे संबंधित एरिया हैं तो उसके आसपास की जितनी वाटर बॉडीज हैं उसको एक तरीके से मैपिंग की गई है इसके अंदर। अगला है माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, ठीक है, तो ये माया एंजेलो बेसिकली एक पोएट है ना, पोएट और एक्टिविस्ट कह लीजिए, 25 सेंट का जो एक कॉइन होता है अमेरिका के अंदर,
और वहाँ पे इनकी जो एक उस पर आकृति बनाई गई है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि जिसको आप BIS के नाम से जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो उन्होंने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये थी 75th वाली, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औरंग नेशनल पार्क का आकार में विस्तार करने का फैसला किया है? ठीक है, तो औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम के अंदर ही है, तो इसके जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने की बात यहाँ पे की गई है, असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 जनवरी 2022 को CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, है ना, नेशनल जो हमारी फिजिकल लेबोरेटरी है, तो न्यू दिल्ली में है ये, तो इसकी 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? ठीक, तो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज स्लोथ बियर, जिसका नाम गुलाबो था, कि निम्न में से किस शहर के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है ना, और इसकी एज जो थी ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 40 ईयर्स की थी। तो वन विहार हमारा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, यहाँ पे जो स्लोथ बियर गुलाबो है, इसकी मृत्यु हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जनवरी 2022 में कब से कब तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया? ठीक है, तो जो हमारा ये वीक एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये था 10 से 16 जनवरी के बीच में, तो सी वाला करेक्ट है। अगला देखिए कि जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य हेतु एक ऐतिहासिक निर्णय में किस राज्य मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2022 को श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम जो 1954 का है, इसमें संशोधन को मंजूरी दी है? ठीक है, तो यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल आप जानते हैं कि पुरी में है उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पे ही स्टेट गवर्नमेंट जो उड़ीसा की है, इन्होंने किया है, और ये एक्ट ध्यान दीजिएगा इस टेम्पल से संबंधित जो है, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954, तो ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक मैच में अपने सभी 20 विकेट कैच के जरिए गंवाने वाला भारत पहला देश बना। ठीक है, अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया ये, तो यह एक टेस्ट क्रिकेट मैच जो था भारत और किस देश के बीच खेला गया, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर है एक प्रकार का, ये सिमोर्ग डेवलप किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक इनके पास जो सुपर कंप्यूटर अवेलेबल था उससे लगभग 100 गुना जो है तेज इसकी स्पीड है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों और विकेट कीपर बल्लेबाज क्लिंटन डिकॉक जो हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो प्रश्न है कि यह दोनों खिलाड़ी क्रमशः किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं? तो दोनों संबंधित हैं हमारे साउथ अफ्रीका से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में IT सुरक्षा कंपनी क्लाउड फेयर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार किस शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने वर्ष 2021 की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट के रूप में गूगल को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, तो ये वही है जो बैन हो गया है इंडिया में, टिकटॉक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2022 को एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, तो ये जो समिति है सिक्योरिटी में कहाँ पे लूप होल्स हुए इसकी जांच करेगी, तो इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा इनमें से? तो ये इंदु मल्होत्रा है, पूर्व न्यायमूर्ति, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश के संगठन के द्वारा यमन के सादा क्षेत्र में हवाई हमले किए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेंशन्स थी साउथ अफ्रीका, सॉरी सऊदी अरेबिया और ये यमन के बीच में, जिसमें कि एयर स्ट्राइक्स में काफ़ी माइग्रेंट्स की जान गई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इसके बारे में एक बार पढ़िए जरूर आप। अगला है, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक किस संस्था ने जारी किया है? ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो रिलीज होता है, तो अभी किसने किया है? तो ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इनके द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020 से 22 के टाइम पीरियड के लिए किस संस्थान ने जारी किया है? तो सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट ये रिलीज किया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज किसने लिखी है? तो ये एक बुक लिखी गई है जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर है, उसमें ये जो गोरखाज वगैरह से कुछ रिलेटेड स्टोरीज इसमें लिखी गई हैं, और इसको लिखा था ये रचना बिष्ट रावत ने, ठीक, ये गुरुग्राम बेस्ड एक राइटर हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लवासना के रूप में जानते हैं, जहाँ पर यूपीएससी सेलेक्ट से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उत्तराखंड के अंदर देहरादून में मसूरी में है ये स्थित, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो बिटकॉइन एक जो हमारा डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से, और यहाँ पे इसको लीगलाइज किया था कुछ समय पहले ईएल सेल्वाडोर में, और यहाँ पे ही इसको जो है बिल्ड करने की बात हो रही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ गांवों में से एक के रूप में चुना है? ठीक, तो पोचमपल्ली है अभी वर्तमान में तेलंगाना में, और ये आपको अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो भूदान मूवमेंट में ये चर्चा में रहा, यहीं से भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में वैश्विक व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021 82nd पोजीशन है हमारी 2021 में, और अभी 2020 में जो रैंकिंग थी इंडिया की ये थी 77। ठीक, तो यहाँ पे 5 स्थान जो है और आगे बढ़ गया मामला, और एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेस मैट्रिक्स, है ना, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है रैंकिंग दी जाती है, और जिसमें कि यहाँ पे देख लीजिएगा इसको एक बार, चार जो एक पैरामीटर्स होते हैं जिसको कैलकुलेट करके ये रैंकिंग दी जाती है, और इस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर देखेंगे तो अभी 2021 के में डेनमार्क है। ठीक, अगला देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तितली की दुर्लभ प्रजाति कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में अपनाने को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो स्टेट कैपिटल यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, एक बटरफ्लाई की प्रजाति है जिसको नाम है कैसर ए हिंद, और ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें, हाल ही में किस जिले में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का या केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे रानीखेत में इसको ग्रास कंजर्वेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? ठीक, तो ये एक तरीके का मतलब किताब का नाम ही है लाल सलाम नॉवेल, इसको लिखा है स्मृति ईरानी ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्टोरी लाइन ये है कि 2010 में छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा में जो मॉइस्ट अटैक हुआ था उसमें सीआरपीएफ के अराउंड 76 जो पर्सनल्स थे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इन्हीं से इंस्पायर होकर एक स्टोरी है। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ठीक, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें करीब जो है 70 साल का भारतीय क्रिकेट का इतिहास लिखा गया है, और ये लेखक हैं अयाज मेनन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसने लिखी है? तो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर रहे मरूफ रज़ा की ये पुस्तक है, जिसमें कि इंडिया और जो तिब्बत का ये बाउंड्री है इंडिया के साथ, इसकी मेकिंग और जो भी रिसेंट में डिस्प्यूट्स रहे चाइना के साथ इंडिया के बाउंड्री के, और उससे संबंधित चीज़ें हैं, तो फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन किसने लिखी है? ठीक, तो ये यूनाइटेड नेशंस के पूर्व में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसमें कि 2017 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए इलेक्शंस हुए थे उसमें इंडिया की विन हुई थी ओवर द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसने लिखी है? ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी गई है, यहाँ पे नोबेल लॉरेट हैं अभिजीत बनर्जी, ठीक है, इनको इकोनॉमी का नोबेल मिला था 2019 में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कि एस्बेस्टस के भंडार में राजस्थान पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो सेकंड पे है कर्नाटक। और एस्बेस्टस हमारा बेसिकली एक नेचुरली सिलिकेट मिनरल होता है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए कदम लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष कब पूरे किए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 ईयर्स इनके फाउंडेशन के कंप्लीट हुए हैं 3 जनवरी 2022। अगला प्रश्न देखिए कि 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। ठीक, तो ये किया गया है यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कल्पना चावला के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला रही। इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।